वार्ड 29 वृंदानगर कैंप 1 के रहवासी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां नाली, सड़क, पुलिया आदि की मांग लंबे वक्त से की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। वार्ड 29 वृंदानगर कैंप 1 के अंदरूनी क्षेत्रों में निवासरत रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है। यहां सड़क, नाली, पुलिया जैसी सुविधाओं का अभाव वर्षों से बना हुआ है। कुछ वर्षों पूर्व बनाई गई नालियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से नालियों का पानी नालियों से बाहर बहता रहता है। एक ओर से दूसरी ओर आने जाने पूर्व में नालियों के बीच पुलिया भी बनाई गई थी, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को दूरी का सामना कर अपने गंतव्य की ओर जाने मजबूर होना पड़ता है। इससे महिलाओं को परेशान होना पड़ता है। पूर्व में अंदरूनी क्षेत्रों में बनाई गई सड़कों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। वहीं कुछ स्थानों में पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन नालियों के बीच से होकर गुजरी है। समस्याओं के निराकरण के नाम पर इन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है, जिससे वार्ड के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय रहवासियों ने समस्याओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वही रोड फंसक की है बाबू, उस तरफ पूरा और नाली चारों तरफ का कचरा आके नाली में इधर भर जाता, जाम हो जाता। फिर तो नाली हम लोग को नहीं करके 6 महीना कोई भी खाली करके चला जाता। हम लोग को सब साफ सफाई करके ऐसी रुक गया है, क्या करेंगे किराए ज़्यादा होने से। जी मेरा नाम योगेश है, मैं वार्ड 29 से बोल रहा हूँ। ये बिंदानगर का एरिया है सर। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कई 15 साल पुराना जो बना था पुलिया, पुलिया टूट चुका है। नाली का कोई निर्माण नहीं हुआ है और यहाँ की जनता काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब बरसात आता है तो पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, और जैसे यहाँ की नालियाँ नहीं है, पानी जमा हो रही है, तो बीमारी का भी काफ़ी चांस बढ़ा हुआ है। तो मैं निगम प्रशासन से विनती करूँगा कि इसको ध्यान दिया जाए और जनता की परेशानी में काम किया जाए। यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद को इसकी जानकारी दिए थे? हाँ, संजय सिंह को हम लोग जानकारी दे चुके हैं। कल संजय सिंह आए भी थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 महीने के अंदर में काम हो जाएगा। और यहाँ 20 साल हो गया, 20 साल से ना रोड बना है, ना पुलिया बना है, ना नाली बना है। ये वार्ड 20 साल पे तक पुराना पीछे हो चुका है। बाकी वार्डों में आप जाओगे तो कई आगे, मतलब वार्ड आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ 20 साल से विकास नहीं हो रहा सर। वहीं वार्ड 29 वृंदानगर के पार्षद संजय सिंह का कहना है कि जब से वह चुनकर आए हैं, समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं। वार्ड में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी चुने हुए हमको 1.5 साल हुआ है, और वार्ड में जो स्थिति बनी है वो लगभग 15 सालों से यही स्थिति है, और इसके लिए हम लोग निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ। रोड और नाली और पुलिया को लेके जोन कमिश्नर और कमिश्नर से मेरी चर्चा होती रहती है। अभी भी वार्ड में काफ़ी जगह पुलिया बन रहे हैं, भवन भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बने हैं, तो ऐसे काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके इन जगहों पे जहाँ जहाँ रोड और नालियाँ टूटी हुई है उस जगह पर हम लोग बनाएंगे। अभी कई ऐसे जगह हैं जैसे कि 4 से 5 जगहों पर 5-5 लाख, 4 लाख, 5 लाख के भवन भी बने हैं, पुलियों पे भी काम हुआ है, और अपना 20 लाख रुपए से हमारे अस्पताल का भी निर्माण हुआ है, जो काफ़ी समय से यहाँ के लोग दूर दूर जाके हॉस्पिटल जाते थे, जो अभी इनको यहीं पर सुविधा मिल रही है। निरंतर मैं जोन कमिश्नर कमिश्नर से चर्चा हो रही है कि जो भी नालियाँ और रोड टूटी हुई है उसके लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है। आप जहाँ पर गए थे वहाँ मैं उसी दिन गया था और सभी लोगों से बात किया, उनको मैं बताया हूँ कि इसके लिए मैंने प्रपोजल बना के दिया भी गया, जल्द से जल्द वो चीज़ पूरी की जाए। वार्ड में मौजूद समस्याओं से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। वहीं पार्षद का कहना है कि वह समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीर हैं, साथ ही नगर निगम जोन 2 के अधिकारियों से वे निरंतर संपर्क में भी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।